जर्मन यूनिवर्सिटी की मान्यताओं का भ्रम हवाओं में तैरती हुई बातों की तरह चर्चा में चारों ओर उठ रही है। उस भ्रम में कई गलतफहमी वाली भी अफवाहें सामने आई हैं, जिसे देखते हुए विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर शैलेश पांडे ने यूनिवर्सिटी में संचालित पाठ्यक्रम की समस्त मान्यताओं के दस्तावेज होने के दावे कर रहे हैं। रजिस्ट्रार डॉक्टर पांडे ने टाइम्स ऑफ सीजी से खास बातचीत में कहा, बिलासपुर जिले में दूरस्थ शिक्षा परिषद से संस्थागत मान्यता 1 जून 2009 को नई दिल्ली से मिली। इसके बाद जनवरी 2013 में संयुक्त निरीक्षण दल ने विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद छत्तीसगढ़ में एकमात्र विश्वविद्यालय रमन यूनिवर्सिटी को पाठ्यक्रम वार मान्यता मिली। विश्वविद्यालय को ज्वाइंट कमेटी से UGC, DEB और AICTE में संचालित करने की भी अनुमति मिली। आगे कहा कि साल 2013-14 में प्राप्त मान्यताओं को 6 जनवरी 2016 को एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया। इसी तरह फिर से 8 जनवरी 2017 को इसे आगामी 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। विश्वविद्यालय को MSc पाठ्यक्रम का अनुमोदन को शासन ने 2007 में राज्य पत्र में प्रकाशित किया। इसी तरह दूरस्थ शिक्षा पद्धति में MSc पाठ्यक्रम का अध्यादेश जून 2011 में प्रकाशित किया गया। इसे वर्तमान में UGC की वेबसाइट में अपलोड किया गया है। हालांकि हवाओं के भ्रम को कागजों में जवाब देने के लिए कुल सचिव डॉक्टर शैलेश पांडे ने कमर कस ली है। इसके साथ ही संचालित सभी पाठ्यक्रम की मान्यता के दस्तावेज को आधार मानते हुए गलत अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दे दी है। बातचीत के आखिर में विश्वविद्यालय से पास आउट हुए छात्रों व अध्ययनरत विद्यार्थियों और उनके परिजनों से अपील करते हुए डॉक्टर शैलेश पांडे ने कहा, हमारा विश्वविद्यालय मान्यताओं की बुनियाद पर स्थापित है, किसी तरह की चिंता और घबराने की कोई बात नहीं है। जिन लोगों को जो भ्रम फैलाना था वे फैला चुके हैं, लेकिन सच्चाई तो पत्थर की लकीर की तरह होती है, जिसे कोई नहीं झुठला सकता। ये देखिए, शासन के जिस लेटर का हवाला किया, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, इसमें चंदेल को, CV रमन यूनिवर्सिटी को बिलिप कोर्स संचालित नहीं है, मैक्स यूनिवर्सिटी में ऑर्डिनेंस पे कोर्स संचालित है, ये सील लगाई हुई है और तिदीवर। हमें ये देखने में थोड़ा गड़बड़ लगा, हमने कहा शासन इस तरह का लेटर कभी भेजता है क्या? शासन इस तरह का लेटर कभी नहीं भेजता है। हमें थोड़ा सा डाउट हुआ तो हमने ए अच्छे लाल देवांगन को शासन ने पत्र लिखा है, ये विश्वविद्यालयों की सूची है छत्तीसगढ़ के, इसमें CV रमन विश्वविद्यालय के सामने क्या लिखा हुआ है, बिलिप कोर्स संचालित नहीं है। ये दोनों लेटर हमको मिले, हमें लगा, हमने उनको चिट्ठी भेजी, हमने जिला पंचायत के अधिकारी की, ये दोनों लेटर हमको थोड़े से मैनिपुलेटेड लगते हैं। शासन इस तरीके का लेटर कोई भी जारी नहीं करता है हमारे संज्ञान में, मेरे अनुभव में। फिर हमने माननीय आयोग से रिक्वेस्ट किया कि आप सच्चाई बताइए, बिलिप पाठ्यक्रम की सच्चाई क्या है। तो आयोग ने दिनांक 6/6/2013 को ये लेटर इशू किया, जिसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित है और विश्वविद्यालय के नियमित एवं दूरस्थ शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिलिप पाठ्यक्रम के अध्यादेश शासन द्वारा अनुमोदित है और राजपत्र में प्रकाशित है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई डिग्रियां वो सब पूर्णतः वैध है। ये देखिए, अध्यक्ष ने लिखा है, अध्यक्ष के जारी की हुए लेटर है, ये लेटर आपने जारी किया है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो उन्होंने हमको जवाब दिया, हमने उनसे पूछा क्या ये लेटर आपने जारी किया है जो आपको दिखाया जा रहा है, तो हमको उन्होंने जवाब दिया, श्री चंदेल प्रस्तुत 17 प्रमाण पत्र, ये देखिए, उपरोक्त विषयांतर संदर्भित पत्र के संलग्न पत्र की छायाप्रति लेख है, यह पत्र छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग कार्यालय द्वारा जारी नहीं हुआ है। इन्होंने पुष्टि करी उसकी, ये पत्र नहीं दिखाया गया, ये जानकारी मीडिया में नहीं आई, ये जानकारी बच्चों को अभिभावकों नहीं बताई गई, ये छल कपट किया गया, ये जालसाजी षड्यंत्र रचा गया विश्वविद्यालय के खिलाफ। हमने शासन से भी पूछा कि क्या आपने अच्छेलाल देवांगन का जो पत्र जो लगाया गया है क्या आपने जारी किया है, तो शासन ने उसकी ओरिजिनल कॉपी ये दी, ये सच्चा पत्र है, ये देखिए, इसमें अच्छेलाल देवांगन को ये पत्र दिया गया है। इस पत्र में इस व्यक्ति ने शासन से ये जानकारी मांगी कि क्या छत्तीसगढ़ में कितने विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं।